चलिए बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर कर दो हमारी आज की क्लास, क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है। आप समझ रहे होंगे मैं आ रहा हूं आज की क्लास में, जो आपकी मांग थी, जो आपकी डिमांड थी। आप खुश हैं ना? हेलो एल्केन की मांग कर रहे थे काफी दिनों से, यानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड कर रहे थे क्लास 12th में। तो मैं आप सबके लिए एक खुशी का पल ले आया हूं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई बच्चे बोलते हैं नहीं समझ में आता है सर क्या करें। तो मैं आज बहुत लंबी क्लास ना लेते हुए बहुत छोटी क्लास लूंगा, लेकिन वो सारी चीजें बताऊंगा जिसके बेस पर हमें हेलो एल्केन भी समझ में आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शुरुआत भी हो जाए। तो आप सब खुश हैं कि नहीं? अगर खुश हैं तो बिल्कुल लाइक करके बताएं, और हमारे चैनल को जो बच्चे आज पहली बार आए हुए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, या हो सकता है जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये चलता जाएगा हेलो एल्केन का। अब आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आप सिर्फ याद करना चाहते हैं तो मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। स्कूल से थोड़ी अलग और थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आज की पढ़ाई, है ना? तो थोड़ा शुरुआत सरलता से करते हैं। यहां पर शब्द की तरफ चले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन, हिंदी में कहते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरऑल एक बात आता है कि इसको आसानी से समझा कैसे जाए। तो मैं इधर उधर की बात ना कहूं, अब मैं बच्चों का वेट कर रहा था इसलिए इधर उधर की थोड़ी बात कर रहा था, अब सीधी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। बेटा कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, तब बात आपको भी समझ में आएगा। क्या आप छोटी छोटी चीज जानते हैं? जैसे मैं एक बात करूं हेलो एल्केन में जाने से पहले, एक बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि क्या आप इसका मतलब जानते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है आप जानते हो? अगर इस चीज को जानते होगे तो इस चीज को भी जानोगे, इस चीज को भी जानोगे। नहीं जानते हो नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, मैं सिर्फ नाम बताने के लिए नहीं आया हूं, उस चीज को समझाने और सिखाने आया हूं। तो चलिए यहां पर बात करते हैं। सी पर चार संयोजकताएं होती है और चार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन इस जगह पर क्या हुआ है कि सी पर ये जो चार संयोजकताएं होती है, इनमें से तो तीन जगह पर हाइड्रोजन है, लेकिन एक जगह के हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा हुआ है क्लोरीन, है ना? सही है ना? एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दोनों में क्या बात? इसके बारे में अगर आप जानते हो कि यह क्या है तो आपको बता दूं कि ये मीथेन है। क्या चीज है बेटा? सारे बच्चों को पता है मीथेन है, लेकिन ये क्या चीज है? ये भी मीथेन है, परंतु मीथेन में हाइड्रोजन को एक हटा करके क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाएगा क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन है, मीथेन क्लोरोमीथेन। अगर मैं क्लोरीन को, जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तत्व जो आते हैं 17वें ग्रुप में या फिर 7A ग्रुप में, इन तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। क्या कहा जाता है आपको पता है? हैलोजन कहा जाता है, इन तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। यहीं से एक शब्द उभर के आता है, खुल के आता है, वो हैलो। हैलो शब्द लिखने का मतलब होता है हैलोजन से बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये इस जगह पर कहलाएगा फ्लोरो, ये कहलाएगा क्लोरो, ये कहलाएगा ब्रोमो, और ये कहलाएगा आयोडो। लेकिन ये है क्या चीज? फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब कार्बन के साथ लग जाता है तो उसके नाम के शुरुआत में जो शब्द होते हैं उस चीज को लिया जाता है। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन से फ्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो, है ना? काफी आसान। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहां पर कह दूं कि CH3I है तो इसका मतलब क्या है कि देखिए इस जगह पर तीन H है और एक H को हटा करके I जुड़ा है। किसी ना किसी को हटा करके जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो चार है। अगर मेरे हाथ में एक हाथ में एक बाल्टी पकड़ सकता हूं, दूसरे हाथ में दूसरी बाल्टी पकड़ सकता हूं, तो अगर आपने कहा कि तीन बाल्टी विक्रम सर ने तीन बाल्टी पानी लाए एक साथ अपने हाथों में लेकर के वो तीन बाल्टी पानी लाए, तो कैसे पॉसिबल है? अब बोलोगे सर जुगाड़ पानी, अरे जुगाड़ वाली बात नहीं कर रहा भाई, एकदम डायरेक्ट बात करूं, यहां पे फिर कार्बन में भी जुगाड़ लगवा दोगे आप, तो कार्बन की जुगाड़ के साथ नहीं काम करेगा। कार्बन की चार संयोजकताएं होती है और वो चारों में से पकड़ेगा। तो ये देखिए कार्बन की चार संयोजकताओं को लेकर के, यही एक छोटी छोटी बात है जो हेलो एल्केन की तरफ जाएंगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का। मुझे एक छोटा सा पोल में जरूर बताइएगा आप सब कि क्या आपने 11th में ठीक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो, समझे हो कि नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए, तो मैं थोड़ी सी मुझे प्लान करने में मदद मिलेगा कि मैं आपको कैसे और किन चीजों को पढ़ाऊं। अब यहां पर एक तो बात हो गई, तो बेटा एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि इस बात को जानो कि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं तीन तत्वों के बारे में, कार्बन। यहां पर हम क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन या हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ने वाले हैं। का क्या पढ़ने वाले हैं? हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ने वाले हैं। जब ऐसा करने वाले हैं, जिसको कहते हैं, कई कई बुक्स में यह भी लिखा रहता है हेलो एल्केन लिखा रहता है, तो हेलो एल्केन पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन पढ़ने वाले हैं, हेलो एरीन पढ़ने वाले हैं। जब ये पढ़ने वाले हैं तो कुछ जानकारी हमारे पास इस चैप्टर के लिए हमारे पास होनी चाहिए। वो पहली जानकारी ये है कि इसमें हमें किस किस तत्व कैसे सामना करना पड़ता है। इसमें तत्व होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हैलोजन। हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोट कर लो, मैंने पूछा था कुछ क्वेश्चन, नो सर 77% बच्चों ने यह कहा है मुझे, 315 बच्चों में से, कि उन्होंने 11th में ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। नो प्रॉब्लम, सारे दर्द को एक तरफ फेंक दो, दिल में दिमाग में कोई टेंशन मत लो, दिल में कोई बोझ मत रखो, सिर्फ याद रखो, कॉपी में लिखो। एक्चुअली एक बात होता है, अक्सर मेरे दोस्त है, मेरे फैमिली वाले हैं, अक्सर ये पूछते हैं कि उस दिन मैंने तुमको ये कहा था, ये तुमने लिखा, ये तो ये इसको तुमने इतने रुपए दिए थे, इससे तुमने इतने रुपए लिए थे, यहां से ये सामान लाए थे, तुमने वो किया था, तुमने ये वाला क्लास लिया था, वो किया था, अलग अलग बातें होती है हमारी जिंदगी में। तो मुझसे पूछते कि वो वाली चीज कहां है, कैसे करे हो, क्या किए हो, तो मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं एक छोटी सी डायरी में उन चीजों को नोट कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा प्रेशर बढ़ते जाएगा, भाई वो मैंने काम किया है कि नहीं, कि मैं भूल जाऊंगा। तो इसी बात को कहता हूं कि मैंने जो जो पढ़ाया आपको वो आपके दिमाग में किस किस हद तक होता है, किस हद तक रहता है, इस बात के लिए आप इस चीज को नोट कर लो। चलो मैं इधर उधर से मैं बोलो ना बार बार कि हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल देखें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन, इसको कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। ये इतने तत्वों की, इतने ही तत्वों से हम खेलेंगे, और इन तत्वों की एक जानकारी आपको बता दूं कि इनका लुईस डॉट सिंबल को याद रखो, लुईस डॉट सिंबल, इसको संकेत कहते हैं हिंदी में, इसका लुईस डॉट सिंबल कार्बन के अंतिम कोश में चार इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन और हैलोजन के अंतिम कोश में होता है बेटा जी 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता की बात करूंगा तो संयोजकता होगा इसका होगा 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बंध बना सकता है? कॉपी में जरूर नोट करिएगा, मैंने कहा कॉपी में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि कॉपी में नोट नहीं तो दिमाग में नहीं। चलो तो ये है, इसमें कितना? 1। इसमें कितनी संयोजकता? 1। मतलब ये 4 बंध बना सकता है, ये 1 बंध बनाएगा और इसमें ये 1 बंध बनाएगा। बस इतने के साथ खेलना है आपको, और इस आधार पर आप चाहे जो बनाना चाहें, कार्बन कार्बन, एक कार्बन वाला कंपाउंड
दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, एक दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, चार कार्बन वाला, जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। बीच में कार्बन कार्बन के बीच में दो तीन बंध भी लगा सकते हैं। तो इसमें यदि मैं कहता हूं कि इसमें एक हैलोजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी अगर मान लो एक हैलोजन, देखो एक कार्बन वाला ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक हैलोजन लगा हो, दो हैलोजन लगा हो, तो आप समझ जाओ इसमें तीन हाइड्रोजन होगा, इसमें दो संयोजकता बची है तो इसमें दो हाइड्रोजन होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? CH3Cl, CH3Br, CH3I, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? CH2Cl2, क्योंकि ये क्या चीज है? CH2X2। कुछ समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तो क्या देख रहे हो आप? यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या देख रहे हो आप? कि कार्बन की चार संयोजकता ही खेल खेलता है, हाइड्रोजन की एक संयोजकता खेल खेलता है, और हैलोजन की एक संयोजकता ही खेल खेलता है। इस आधार पे हम हेलो एल्केन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो बेटा एक बात आप दिमाग में रख लो, आप हमेशा याद रखो, संरचना सूत्र बनाने का प्रयास करो, संरचना सूत्रों को आप बनाने का प्रयास करो, आप तीन चीजें सीखोगे। एक तो नाम जानोगे, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया जानोगे। रासायनिक अभिक्रियाएं जानोगे, और तीसरी बातें जानोगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ये तीन चीजें समझ जाओगे यदि आपने संरचना सूत्र को समझा। बातों को पकड़ो बेटा, छोड़ना नहीं है यार। मैं आज ये बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाउड में बोलूं, लेकिन याद रखो मैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिला रहा हूं कि कुछ चीजों को जानना जरूरी है। सिर्फ संरचना सूत्र जानने से यौगिक का नाम जानोगे, रासायनिक अभिक्रिया जानोगे, क्रियाविधि जानोगे, उसके बाद क्या कुछ होता भी है क्या केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इसके अलावा कुछ नहीं होता है। दर्द को उठा के फेंक दो। अब शुरू करते हैं पढ़ाई की बातें। कि एक बात तो सोचो कि हम हेलो एल्केन किसको कहेंगे, हम हेलो एल्केन किसको कहेंगे? यहां पर हमने कहा एक छोटी सी बात पे ध्यान दें कि क्या आप सब ये जानते हो क्या, मीथेन, मैं बार बार ये कुछ लाइनें लिख रहा हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये जानते हो क्या? जानते हो ना? मीथेन मतलब होता है एक कार्बन वाला यौगिक, इथेन मतलब दो कार्बन वाला यौगिक, और इथेन प्रोपेन यानी तीन कार्बन वाला यौगिक, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन है, सुने है ना आपने, हाइड्रोकार्बन। देखो बेटा शुरुआत ऐसा हो कि आपके लिए कोई दर्द ही ना रहे ना, ऐसे पढ़ना। आज हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर रहिएगा, अगर आज हो नेक्स्ट क्लास में नहीं रहोगे कुछ नहीं कर सकता। क्लास जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। मैं यहां पर कोई विज्ञापन करने के लिए और क्लास बेचने के लिए नहीं आया हूं, याद रखना, आपको सिखाने के लिए आया हूं। मैं कई सालों से सिखा रहा हूं, 5-6 सालों से सिखा रहा हूं, वो भी किसमें? यूट्यूब के माध्यम से, जब से यूट्यूब आया, लेकिन उससे पहले 200 साल से पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना? सिर्फ इस उद्देश्य से कि बच्चा कुछ सीखे, आप भी ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ बेटा? ये मीथेन इथेन प्रोपेन है। यस, मीथेन इथेन प्रोपेन है, हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन कितना होगा भाई? आप जानो, इसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन की संयोजकताएं चार होती है, कार्बन के 1, 2, 3, 4, कार्बन 1, 2, 3, 4 एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन 1, 2, 3, 4, कार्बन 1, 2, 3, 4, कार्बन 1, 2, 3, 4, ये आपस में जुड़ गया, ये आपस में जुड़ गया, यही तो होता है ना। जितनी लाइनें, जितनी पॉइंट्स बच गए हैं, वो सारे पॉइंट्स किसके लिए होते हैं? हाइड्रोजन उनके साथ जुड़ने के लिए होते हैं, है ना। इसमें भी देखो 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, हर एक पॉइंट एक संयोजकता होती, उनसे बॉन्ड बनता है, इससे सरल कुछ नहीं। मैं बता रहा हूं, वो बच्चा जिसको पढ़ाने से किसी टीचर ने कह दिया था तू एक काम कर, एक लोटा ले ले, उसमें डूब के मर जा, वो बच्चा आज MBBS कर चुका है और एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है। वो डॉक्टर का ही बच्चा था, उसको उसने कह दिया था, अर्जुन बंजारे नाम था उस बच्चे का,
बहुत बड़े स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम का पढ़ने वाला बच्चा, उसको बोल दिया था उसके टीचर ने तू केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकता है, लोटे में पानी ले ले और उसमें डूब के मर जा। वो इतना क्या बोलूंगा, वो बच्चा इतना डिप्रेस हो गया था कि एक दिन मैं उस डॉक्टर के घर गया अपने कुछ इलाज के लिए, तो डॉक्टर ने कहा अरे विक्रम सर आप शायद केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, हाँ हाँ, तो मैं अपने बच्चे को जरूर भेजूंगा, बहुत डिप्रेस है सर, वो 2 साल से MBA क्या बोलते हैं मेडिकल एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल रहा, इस साल तो मैं सोच लिया हूं सर कुछ तो नहीं कर सकूंगा, सिर्फ केमिस्ट्री के कारण बच्चा रुक रहा है। बच्चा आया, बच्चे को मैंने कहा बेटा इतना ईजी होता है केमिस्ट्री, तो बस एक दिन आया, वो वेडनेसडे था यानी कि बुधवार था, बुधवार को उसको मैं काउंसलिंग किया और उनको बोला कि तू नेक्स्ट मंडे से आ क्योंकि आपके लिए मैं टाइम निकालूंगा, प्लान करूंगा। वो बच्चा उस साल निकला बेटा, और उस साल उन्होंने उस टाइम उसके पीएमटी क्रॉस किया, उसके बाद उन्हें उस टाइम तो पीएमटी नहीं था उसमें, तो इस टाइम उन्होंने सिलेक्शन दिखाया और सिलेक्शन में उनका रैंक बताता हूं 13th रैंक आया था। ये बहुत बड़ा मायने रखता है अपने टाइम पे कि जिस बच्चे को बोल दिया गया है कि तुम चुल्लू भर पानी में यानी लोटे भर पानी में डूब मरो, वो भी केमिस्ट्री के कारण, मैं किसी बच्चे को चुल्लू भर पानी में डूब के मरने नहीं दूंगा। बस याद रखो कि आपको मेरे साथ, मेरे विश्वास के साथ आप जुड़ो, लेकिन रेगुलर जुड़ो। आज पढ़ोगे कल चले जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, मैं सिंपल बात बता रहा हूं। अब बताओ यार यहां पे कितने हाइड्रोजन आएगा, आपको तो एकदम क्लियर हो चुका है ना, ये ऐसा क्यों बता रहा हूं, ये क्यों पढ़ाना, मुझे तो हेलो एल्केन पढ़ाना था। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो इलेवन में नहीं पढ़े थे, 77% बच्चों ने मुझे कह दिया था कि उन्होंने इलेवन केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उन बच्चों को मुझे सिखाना पड़ेगा ना, तो उन्हीं बच्चों के साथ, और आप जो अच्छे पढ़ लिए हो इलेवन में, उन सारे बच्चों को लेकर के मैं ये बातों को पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया, इसमें कितने हाइड्रोजन, ये देखो 4 हाइड्रोजन लगेगा, तो बेटा ये तो हो गया, इनको हम कहते हैं, देखो कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन में टाइप है एल्केन का, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्क मतलब यहां पर होगा एक कार्बन, एल्क मेथ 2 कार्बन, ईथ मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, ये जो शब्द है इसको तो बिल्कुल पकड़ लो, तो ये पहला एक कार्बन का है तो इसमें तो मेथ नाम है, इसमें 2 कार्बन है तो ये ईथ होगा, और ये 3 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे प्रोप कहेंगे, क्लियर। अब बात होता है कि इसमें कार्बन, ये इसमें दूसरे और कोई कार्बन नहीं है, सारे संयोजकताएं कंप्लीट है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड लेते हुए मान लिया जाएगा इसको, और ये हो जाएगा एन लगा दो, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है एन लगा दो, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एन लगा दो, तो यह मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, नामकरण आप पहले भी पढ़ चुके, मैं पढ़ा चुका हूं, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा यूपीएससी नेमिंग वो देख लो, 3-4 वीडियो मैंने बनाया था अभी वो बच्चा देख लेना। मैं नामकरण पढ़ाने के लिए यहां पर नहीं, मैं हेलो एल्केन पढ़ाने के लिए आया हूं, लेकिन हेलो एल्केन की तरफ जाने से पहले कुछ बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल ये अब बात हो गई बेटा, अब देखो ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमने एल्केन को देखा, एल्किन क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एल्केन। अब इसमें मैं हाइड्रोजन, अब मैं बोलूंगा हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, एल्केन लिखोगे एल्केन के हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को विस्थापित कर, एल्केन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर हेलोजन, हेलोजन हेलोजन मतलब समझते हो ना, एक्स यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन परमाणु परमाणु जुड़ते हैं तो इस प्रकार प्राप्त प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, समझ रहे हैं, इस प्रकार प्राप्त यौगिक को क्या कहेंगे बेटा, हेलो एल्केन कहेंगे। बहुत आसान, सोचो कितनी छोटी सी बात है जो हमको जानना चाहिए था। तो हमने देखा
एल्केन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर, कॉपी में लिख रहे हो ना, अगर लिख रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं, लिखते जाओ, मेरी बात हो सकता है कि आगे निकल जाऊं, बाद में वीडियो देख लेना, पोस्ट प्ले करके देख लेना, पर अभी लिख, क्या लिखे, एल्केन से हाइड्रोजन मैंने निकाला और उसमें जोड़ दिया हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, एक साथ बोल देते हैं एक्स, जोड़ देने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। छोटी सी बात, समझ रहे हैं आप, छोटी सी बात, तो ये छोटी सी बात को पकड़ लो बेटा। अब मैं यही काम करने वाला हूं, मेरे पास मीथेन है CH4, मेरे पास इथेन है C2H6, है ना, ये मीथेन है CH4, ये इथेन है C2H6, ये प्रोपेन है तीन कार्बन प्रोपेन, ये प्रोपेन है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बोले, क्या होगा, C3, बोलो C3H8 है, तो इनसे मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा और हैलोजन जोड़ दूंगा, तो वो हेलो एल्केन बन गया। चलो देखें एक बार, मैं ये कहता हूं कि ये मीथेन है, यस सॉरी, मैं यहां पे नहीं, यहां से लेता हूं, नीचे लिख देता हूं मीथेन नाम, ये मीथेन है, नाम लिखो मीथेन है, मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और उस जगह पर एक क्लोरीन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन हटा दिया और मैंने उस जगह पर क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये CH3Cl बन गया। मैंने Cl लिखा, Cl2 नहीं लिखा, परेशान मत हो, ये कोई रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, बस ऐसा किया मैंने, हाइड्रोजन को, इससे हाइड्रोजन निकाला, बच गया CH3, क्या हुआ, ये CH4 है, ये CH4 है, उसमें से मैंने एक क्लोरीन, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाया और उस जगह पर मैंने जोड़ दिया ये क्लोरीन, तो ये बन गया। अब देखो, क्लोरीन का नाम पहले लिखूंगा बेटा, नामकरण में आता है, इसका नाम पहले लिखूंगा, क्योंकि नामकरण का नियम में ये कहता है कि नामकरण में, कौन सा नामकरण, IUPAC नामकरण में हेलो का नाम लिखते हैं, तो हेलो एल्केन जब बोल रहे हैं तब इसमें तीन नाम है, एक है हेलोजन का नाम हेलो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, और ये एल्क का नाम होगा मेथ ई प्रोप, और ये बॉन्ड का नाम होगा एन, तो इस तरह से तीन नामों से संबंधित है, तो ये इसका नाम मैं पहले लिखूंगा क्लोरो, और ये है एक कार्बन से रिलेटेड, यही है मीथेन से बना है, तो इसको मैं कहूंगा मेथ सिंगल बॉन्ड एन, तो ये है क्लोरोमीथेन। ये एक छोटी सी आसान सी बात है जो आपको जानना है और समझना है, बिल्कुल। हेलो बेटा, हेलो सबको, हेलो हेलो बोले, हेलो 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 सबको, हेलो, है ना। तो चलिए, इस तरह से हेलो एल्केन हो गया, ये हेलो मीथेन हो गया, है ना, हेलो मीथेन यानी क्लोरोमीथेन। अगर मैं इसी जगह पे बोलूंगा CH3F तो नाम क्या होगा, CH3Br तो नाम क्या होगा, CH3I तो नाम क्या होगा, आप तो जानते हैं, तो ये इस टाइप का कंपाउंड हुआ। यहीं पर एक छोटी सी बात पर ध्यान दें कि क्या CH4 से हम कितने हाइड्रोजन को हटा के क्या क्या बना सकते हैं। देखो, ये मीथेन है ना बेटा, इसमें से हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाओ, मैंने CH4 रखा, ये CH4 है, मतलब C पर चार संयोजकताएं हैं, देखो जरा C पर चार संयोजकताएं हैं, तो एक सब जगह पर हाइड्रोजन है, पर एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगा दिया, मैंने दो जगह हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लगा दिया, मैंने तीन जगह हाइड्रोजन हटा करके तीन क्लोरीन लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन तो लगेगा, और हो एक और देख लेता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, चारों जगह का हाइड्रोजन हटाया और चारों जगह पर क्लोरीन लगा दिया, ये मीथेन है, इसमें क्लोरो, ये क्लोरीन है तो इसको बोलूंगा मैं क्लोरोमीथेन, देखो कितना आसान है, इसमें दो क्लोरीन है बेटा, इसको क्या बोलूंगा, बोलो आप क्या बोलूंगा मैं इसको, तो दो क्लोरीन है तो बोलूंगा डाइक्लोरो मीथेन, मीथेन से ही हमने हटाया था ना, इससे तीन, ये मीथेन है एक कार्बन है तो मेथ एन मीथेन, तीन क्लोरीन है तो मैं बोलूंगा ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलूंगा इसको, तीन क्लोरीन है, तीन को बोलते हैं, एक को मोनो बोलते हैं, और मोनो बोलने की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, दो है तब बोलते हैं, तो ये तीन है तो बोलेंगे ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरो हो गया मीथेन। इस तरह से हमने मीथेन से संबंधित बात किया, और अब बोलो इथेन से,
सी, यहां पर ये है इथेन और इस जगह पर इथेन में, तो हेलो एल्केन क्या, इसको परिभाषित करते समय, परिभाषित करने के लिए मैं एग्जांपल दे दिया हूं भाई इसका, तो ये है। अब बोलो सी सी, यहां पर देखो चार संयोजकताएं होती, चारों संयोजकताएं यूज कर रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस जगह पर एक क्लोरीन लगा दिया मैंने। अब यहां पर मैंने एक और काम कर दिया, यहां पर तो छह छह जगह है भैया क्लोरीन लगाने के लिए, छह हाइड्रोजन, तो छह हाइड्रोजन को हटा करके एक एक करके क्लोरीन लगा सकता हूं, तो इतने प्रकार से हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि ओनली क्लोरीन लगाऊं, जरूरी यहां पर आप ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो, इस प्रकार से हेलो एल्केन का पूरा एक पूरा रेंज आप जान सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ क्या पूछ रहे हैं। तो चलिए, तो यहां पर दो जगह पे क्लोरीन लगाया तो क्या हो जाएगा, इस तरह से। यह भी हो सकता है दो जगह पे क्लोरीन जो है दोनों अलग अलग कार्बन पर भी हो सकता है, इस तरह से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इन सब का आईयूपीएसी से नामकरण कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो हम एक ही बात बोलेंगे, काफी आसान है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इथेन है, यह भी इथेन है, तो यह कहलाएगा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। यह क्या कहलाएगा जरा सोचो, तो जरा एक दो कार्बन है और पहले कार्बन पर ही दोनों क्लोरीन है, तो मैं बोलूंगा वन वन, क्या बोलूंगा बेटा वन वन, एक ही कार्बन पर है ना, पहले कार्बन, नंबरिंग करना पड़ता है ना, नामकरण करते समय नंबरिंग करना पड़ता है, तो आपने नंबरिंग किया, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, तो पहले पर है तो वन वन डाइक्लोरो, दो कार्बन का है चेन है, तो दो कार्बन के चेन को हाइड्रोकार्बन में क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं, तो इथ सिंगल बॉन्ड एन इथेन, इसमें क्या हुआ दो कार्बन, तो वन टू, दो कार्बन पर है तो यहां पर बोलूंगा वन टू डाइक्लोरो इथेन। तो हम नामकरण को अलग करें, हम समझें हेलो एल्केन, हम समझें हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है, हमने यहां पर परिभाषा आपके सामने रखा है, एक मिनट ऊपर करिए तो, ऊपर दिखाइए तो, और कहां सिंपल कहीं पे लिखा था, अच्छा सर जी सिंपल को बुला दो, सिंपल कौन है, हाँ जी चलिए हो गया। अब चलते हैं इतनी छोटी सी बात की तरफ, हम हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, परिभाषा आपके सामने एक बार बताया था, अब दोबारा आपके सामने। ये सारे स्लाइड पा सकते हैं विक्रम सर हाइप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल से और डाउट नट के टेलीग्राम चैनल से, डाउट नट के ऐप से, तो तीन जगह है आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल देखें हैलोजन व्युत्पन्न, किसी हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनता है उसे कहा जाता है हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाता है, यही चैप्टर है हमारा। और हैलोजन डेरिवेटिव्स मूल रूप से दो प्रकार का होगा, एक होगा एलिफेटिक और एक होगा एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब ओपन श्रृंखला वाला, जिसमें एरोमेटिक समूह ना हो, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर ना हो, तो इसमें हमने देखा अभी थोड़ा सा देखा CH3Cl, C2H5Cl, CH3CH2CH2Cl या ब्रोमीन ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, मैं क्लोरीन लगा लगा के आपको समझा रहा हूं। एरोमेटिक, एरोमेटिक में होता है बेंजीन रिंग, आपको पता है एरोमेटिक होता है बेंजीन रिंग इस तरह से, और बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सीएल, एक बार दो बार या तीन बार जुड़ा हुआ है, या एरोमेटिक बेंजीन रिंग है उसके साथ किसी कार्बन श्रृंखला के साथ सीएल जुड़ा है, तब ये इस तरह से ये दो प्रकार का होगा, एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न और एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। थोड़े वर्गीकरण की तरफ चलते हैं और इस वर्गीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे। मैं आपके लिए यहां पर बताना चाहूंगा, थोड़ा सरलता देखें यहां पर, हेलो एल्केन को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, मुझे यह जरूर बताएं सारे बच्चे, पोल में बताएं कि कितने बच्चों को कार्बनिक रसायन में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, संकरण
हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने आता है, कितने बच्चों को कार्बनिक यौगिक में संकरण निकालने आता है, जितने को आता है यस लिखना, नहीं आता वो नो लिखना, क्योंकि ये जरूरी है, वो चीज बता दूंगा तो और बात समझ में आएगा। हेलो एल्केन कितने प्रकार का होगा जरा समझेंगे। हेलो एल्केन्स या और हेलो एल्किन को हम मूल रूप से दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला sp3 कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन, sp3 कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन, ये कार्बन कौन सा, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन वाला हेलो एल्किन या हेलोजन डेरिवेटिव्स, और दूसरा होता है sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन व्युत्पन्न, ये दो प्रकार का होगा ध्यान रखेंगे। अब sp3 से जुड़ा हुआ और sp2 वाला, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहां पर 240 बच्चों में से 60% बच्चों ने नो लिखा है, तो मैं सिंपल से बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए बस, अभी थोड़ा सा रुक जाइए फिर बताता हूं, आप उस चीज पे थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब यहां पर देखें कि ये हेलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार का, sp3 वाला जो है sp3 कार्बन, अब मैं यहां पर बोलूंगा बेटा ये देखो कार्बन है CH3 है मेरे पास, तो CH3 से जुड़ा हुआ है मान लेते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, तो एक्चुअली ये जो कार्बन होता है ना वो sp3 कार्बन है, ठीक है। अगर यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो है sp2 कार्बन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आपको भी बताता हूं, जस्ट रुक जाइए थोड़ा सा फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए यहां पर देखिए जो sp3 कार्बन वाला जो हेलोजन व्युत्पन्न है वो तीन प्रकार का देखने को मिलेगा, ये नोट कर लीजिए क्योंकि हर एक बात अभी एकदम तुरंत नहीं समझ में आएगा, इसको बताने के लिए मुझे हर कई स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे, तो फिलहाल वर्गीकरण का ये स्टेप है इसको आप नोट कर लीजिए कि हेलोजन व्युत्पन्न तीन प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, एक एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन, दूसरा है एलाइल हैलाइड और तीसरा है ब्रिंजाइलिक हैलाइड। अब ये इसका मतलब क्या है मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, ये वाला इसका मतलब है कि CH3CH2Br इसमें CH2 से ही जुड़ा हुआ है लेकिन ये sp3 कार्बन है परंतु ये एल्केन से है। एलाइलिक में क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 है और इससे जुड़ा हुआ है Br, तो ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 जुड़ा हुआ है। बेंजाइलिक में क्या है, बेंजीन रिंग ही रहेगा, Br जुड़ा हुआ है लेकिन ये एक CH2 और ये बेंजीन रिंग है तो ये बेंजाइलिक कहलाएगा। विनाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर ही ये हेलोजन जुड़ा हुआ, एक्स लिख दूं या Br लिख सकते हो। एराइलिक में क्या होता है कि जो एक्स है यानी कि हेलोजन है वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ये एग्जांपल के साथ एक बार नोट कर लीजिए, आप इसको एग्जांपल के साथ नोट कर लीजिए, बहुत कुछ है उदाहरण पे ये जो वर्गीकरण है इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब एकदम यार ऐसा मत सोचना कि पानी बना के आ जाएगा, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि पास होने के लिए पूजा पाठ करने में लग जाते हैं, है ना, जिस दिन एग्जाम रहता उस दिन उन्होंने मंदिर चला गया, सर भगवान कल का पेपर सरल बना देना। अब बताओ सरल बनाएंगे तो क्या सिर्फ आपके लिए बनाएंगे, वो तो सबके लिए बना देंगे ना सरल, सोचो तो जरा। और सबके लिए सरल बनाएंगे तो उसमें जो बच्चा अच्छा पढ़ाई करके गया उसका मार्क्स तो और हाई हो जाएगा, सोचो। तो यहां पर इस बात का ध्यान दो कि भगवान जब जिसके लिए आप मांग रहे हो कि मुझे कल पेपर अच्छा बन जाए ये चलेगा, लेकिन वो इससे क्या सचमुच में हो सकता है, वो तो पेपर पहले बन चुका है बाद में भगवान से मांगा, तो क्या भगवान वो काम कर सकते हैं उस टाइम पे, पेपर नहीं चेंज करेंगे भाई वो, क्योंकि वो आदमी जिसने पेपर बनाया वो भी तो भगवान का ही बंदा है। तो ये बात हमेशा याद रखो कि आपको ही समझना होगा कि आप अपनी मेहनत ऐसे करो कि भगवान के सामने सिर्फ ये बताने जाओ भगवान मेरी तैयारी अच्छी हुई है, बहुत अच्छा मेहनत किया हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो। मांगो मत, आशीर्वाद दो ये मत बोलो कि आशीर्वाद में ये दो कि मैं बहुत हाई स्कूल मतलब वो क्या बोलते हैं देश में टॉप कर जाऊं, स्कूल में टॉप कर जाऊं, जिले में टॉप कर जाऊं, बस ये मांगो, ये कह दो कि आपका आशीर्वाद
मेरे साथ हमेशा रहता है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर पाता हूं। ये छोटी सी बात आप अपने लिए सोच लो। फिलहाल ये चीजें एग्जाम्पल के तौर पर आप नोट कर लीजिए। मैंने पूछा था अभी, बताए थे क्या बच्चे पोलिंग में कितने परसेंट थे? चलिए तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा, ये कुछ और वर्गीकरण का पार्ट है, इसको भी आप कर लो, इसमें एग्जांपल्स लिखा हुआ है। एक स्क्रीनशॉट बस ले लो इसको, एक स्क्रीनशॉट बस ले लो इसको, हो गया। अब मैं बात करूंगा कि कार्बन, कार्बन में कार्बनिक यौगिकों में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उनको संकरण निकालने नहीं आता, क्योंकि संकरण के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। ऐसा कार्बन जिसमें sp2 संकरण है, उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला हेलोएल्केन या हैलोजन डेरिवेटिव हुआ। हम यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि कार्बनिक यौगिक में संकरण कैसे निकालें, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना, इसके बाद ही शुरू होगा बेटा। ये जो क्लास है आपका, इस चैप्टर के अंदर जाने के लिए कुछ तैयारी करने हैं। आप कहीं पिकनिक मनाने जाते हो तो थोड़ी तैयारी कर लेते हो, किसी के यहां जाते हो तो तैयारी कर लेते हो, कोई अच्छी चीज देखना, पिक्चर देखने जाना तो भी तैयारी कर लेते हो। ऐसे ही अच्छे या बुरा जो भी काम करो, पहले थोड़ी तैयारी होनी जरूरी है। तो वही तैयारी हम कर रहे हैं इस चैप्टर में जाने के लिए, ठीक है। चलो, कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालने का एक तरीका है, यह नोट करो। संकरण बराबर सिग्मा बंधों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। मैंने लिखा है इसको शॉर्ट में, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं। यहां है यह है सिग्मा बंधों की संख्या, की संख्या, और दूसरा है ये एलपी मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। जरा समझेंगे ये एक ट्रिक हुआ, ट्रिक नंबर वन, हैट्रिक वन, ठीक है, ये हैट्रिक वन है, ठीक है, हैट्रिक वन। एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा जो इससे ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल इस ट्रिक का उपयोग अक्सर बच्चे करते हैं और कई लोग बताते भी हैं, तो इसमें क्या तरीका है बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH4, ये देख लो CH4, इस कार्बन में ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब ये सिग्मा और पाई नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए और बी दो परमाणु में आपस में जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड से। ए और परमाणु अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ए और बी तीन बंध से जुड़ा बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। हमेशा याद रखना, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा तो दूसरा पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में तीनों सिग्मा नहीं हो सकता, तीनों पाई नहीं हो सकता, एक सिग्मा ही होगा, एक सिग्मा उसके बाद सब पाई, तो याद रखिएगा। तो यहां पर यह सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो इस कार्बन में कितने क्या संकरण होगा? तो संकरण बराबर इस कार्बन में बताओ सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? चार प्लस एलपी बेटा इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो यहां पर बिल्कुल नहीं है, वो जीरो है, यानी कि टोटल वैल्यू आया चार। अब आपको बताता हूं कि अगर दो आता है, तीन आता है, चार आता है, क्या करेंगे? दो आएगा एसपी संकरण, तीन आएगा sp2 करना, और चार आता है sp3 करना। सीधा सा मैं जवाब दे रहा हूं भैया, इसको बताने के लिए फिर बहुत सारी बात बताने पड़ते हैं, तो सिंपल बात बता देता हूं। sp दो से ना, sp sp2 sp3 बस। तो यहां पर क्या है, ये चार है, तो ये दो हुआ तो sp sp2 sp3, तो ये संकरण हुआ sp3। दूसरा एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। मैं आपको सब में बताता हूं आपको यहां पर संकरण। चलो बताना है आपको यहां पर कितने कौन सा संकरण हो गया। सिग्मा बॉन्ड है,
ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिग्मा सिग्मा, यहां पर सिग्मा है और ये दो बंध जो है वो पाई है और ये सिग्मा है। अब मुझे बताओ कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है, ये तो पता चल गया। अब संकरण कौन सा हुआ यहां पे बात करता हूं। बताओ बेटा इस कार्बन में कितने सिग्मा, कितना एलपी, सभी सिग्मा, एलपी मतलब पाई नहीं ना, वो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यहां पर कार्बन पे कभी एलपी नहीं होता है, आपको पता होगा। हेलोजन पे एलपी होता है, हेलोजन पे ये देखो एलपी होता है तीन। इस जगह पर एलपी की संख्या कितनी है, तीन है। एलपी मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना सिग्मा देखो इस कार्बन पर, एक दो तीन, तीन आया मतलब एसपी टू संकरण। इस कार्बन पर कितना सिग्मा, एक दो तीन, हेलो एक दो तीन, एसपी टू संकरण। इस कार्बन पर कितना सिग्मा, एक दो तीन चार, एक एसपी थ्री संकरण। इस पर दो आ रहा है सिग्मा, तो इसमें कितना हुआ, एसपी संकरण हुआ। इस जगह पे कितना है, दो आया, एसपी संकरण हुआ। आसान है ना भाई, बहुत आसान हो गया। तो कार्बन पर देखो कि कितना सिग्मा है। विक्रम सर क्या लिखा है, रजिस्टर्स क्या लिखा, सुमा मतलब, कैसे सब्जेक्ट चेंज, चलो बोलो जल्दी से। हाँ जी हो गया क्लियर। अब मैं थोड़ी सी बात और करता हूं यहां पे कि संकरण निकाल। अब इसमें बता सकते हो क्या संकरण क्या होगा, ये लीजिए। तो हम जब भी हैलोजन लिखें तो हैलोजन पर हमेशा तीन इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इस बात पे ध्यान दें। तो इस क्लोरीन में संकरण क्या है, क्लोरीन पर एक सिग्मा है और तीन एलपी है, तो यहां पर संकरण बराबर बराबर एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा और तीन एलपी, तीन एलपी है, तो इस तरह से चार मतलब एसपी थ्री संकरण है। यह इस तरह से संकरण निकाला जाता है, संकरण वाला पार्ट भी एक मायने रखता है आपके लिए। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताओ कि देखो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा इस चैप्टर में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन को जानते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। चलो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, बताओगे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन, ताकि मैं हेलो एल्केन आपको पढ़ा सकूं। प्राथमिक, आज मैं तैयारी करा रहा हूं हेलो एल्केन में जाने के लिए, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बन पहचानोगे, पहचानते हो, जानते हो कि नहीं बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहला मुझे क्या इसमें बता सकते हो कि कितने कार्बन प्राथमिक कार्बन है, कितने कार्बन द्वितीयक कार्बन है, कितने कार्बन तृतीयक कार्बन है। प्राथमिक कार्बन को फर्स्ट डिग्री कार्बन भी कहा जाता है, द्वितीयक को सेकंड डिग्री, तीसरे को, तृतीयक को थर्ड डिग्री, और एक चतुर्थक भी होता है, याद रखेंगे। चतुर्थक कार्बन भी होता है जिसको फोर्थ डिग्री कहा जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी, क्यों, क्या आप बता सकते हो इसमें, क्योंकि इसके बेस पर हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हेलो एल्केन को पहचानेंगे और उसके बाद यह चैप्टर आसान हो जाएगा। चलो अब एक बच्चा पूछ रहा है भोलू राज की, सर फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो गया,
हाँ आप देखिए जा करके हमारा इस चैप्टर मतलब इस चैनल पे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो रखी हुई है, जिस चैप्टर को ओपन करके पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। अब आपने डिमांड किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने का, तो मैंने चालू किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन को गहराई से पढ़ना है वो एक काम करें, मेरी वीडियोस अवेलेबल है उसमें से आप एक बार जाके पढ़ें, बहुत कुछ सीखेंगे आप। फिलहाल तो इसमें देखें, हमेशा याद रखना प्राइमरी कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसे तो सी 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 और सी, यहां पर सी और ऐसा है, तो इससे केवल एक कार्बन जुड़ा, एक संयोजकता है इससे संतुष्ट हो रही है, तो यह प्राथमिक कार्बन है। इससे दो संयोजकताएं संतुष्ट हो रही तो कार्बन से होना चाहिए ना, हाइड्रोजन से तो है ही, बाकी हाइड्रोजन जुड़ा है, मैंने हाइड्रोजन बस को नहीं लिखा, कार्बन कार्बन को लिखा है, वहां पे दिख रहा है, तो ये कौन सा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन। इससे देखो तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तृतीयक कार्बन है और ये है प्राथमिक कार्बन, और ये है दो कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, तो द्वितीयक कार्बन और ये कार्बन प्राथमिक कार्बन है। तो हमें पता चला कि फर्स्ट डिग्री कार्बन इस जगह पर है एक दो तीन, सेकंड डिग्री कार्बन हमारे पास है एक दो, और थर्ड डिग्री कार्बन हमारे पास है केवल एक। इस आधार पर प्राथमिक द्वितीयक, देखो समझ में आया ना, कैसे पता लगता है कि किसी कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है, कितने कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं, उस आधार पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन को पहचानते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस आधार पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेलो एल्केन पहचान सकते हैं। देखो मैं यहां पर बताना चाहूंगा हेलोजन के प्रकार, कौन सा हेलोजन के प्रकार, मोनो हेलो एल्केन के, मैं हेलोजन के प्रकार लिख दिया मैंने, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन के प्रकार। अब यहां पर ध्यान देना, मोनो हेलो एल्केन के कौन कौन से प्रकार होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो बताएंगे मोनो हेलो एल्केन मतलब जिसमें केवल एक हेलोजन लगा होगा, तो ये देखो कितना हो सकता है, ये हो सकता है तीन प्रकार का, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। कैसे, एक एग्जांपल देखो, एक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यह कार्बन कौन सा कार्बन है, इस कार्बन से अब कौन जुड़ा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, या दूसरा एग्जांपल, इस कार्बन से हैलोजन और इस कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन, एक हैलोजन कार्बन जुड़ा होगा, और इसके अलंबी चेन हो सकती है। इसमें क्या देखने को मिला कि इस कार्बन के बाद दो कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी होंगी, कार्बन जुड़ा होगा, तो मैं इसमें कार्बन ना लगाते हुए मैं इस जगह पर लिख देता हूं R, R मतलब कार्बन की श्रृंखलाएं जिसमें कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एकदम शब्दों में लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन, इसका मतलब होता है वे हेलो एल्केन, लिखो बेटा, वे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन देखें, इस कार्बन से कोई और नहीं जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ, इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं सेकेंडरी हेलो एल्केन की बात करूंगा तो परिभाषा आपके हाथ में है, बोलो परिभाषा क्या है, परिभाषा है वे
हेलो एल्केन, जिसमें हेलोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी कार्बन क्या? ऐसा कार्बन जिनसे दो कार्बन जुड़ा हो। तो ये देखो, ये देखो, ये कार्बन जुड़ा हुआ है दो ठो। एग्जांपल और ले लें, सी इसे हेलोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन। इसके बाद आप चाहो तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, हेलोजन हाइड्रोजन कार्बन 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 कार्बन, चाहे दुनिया के किसी भी जगह पे कोई सा भी कार्बन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का। इस कार्बन से मतलब है कि ये कार्बन कौन सा है, इस कार्बन से केवल दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। तो वे हेलो एल्केन, मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनेगा, वे हेलो एल्केन, जैसे यहां पर लिखा वे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से, यहां पर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी हेलो एल्केन। बहुत सारे एग्जांपल लिखो भाई। चलो मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH X C2H5 C2H5। नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं तो हूं, बस याद रखना ये Cl इस कार्बन से जुड़ा, तो ये कैसा हुआ, सब सेकेंडरी हुआ। टर्शियरी में इस तरह से तीन CH3 CH3 CH3, कार्बन ऐसा जिससे तीन कार्बन जुड़ा हो और इसे हेलोजन, टर्शियरी हेलो एल्केन। तो बोले तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ। यह छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, मुझसे वादा करो कि अगर आप रेगुलर इस चैप्टर में रहोगे तो मैं इस चैप्टर को सुपर बना दूंगा, एक एक चीजें सिखा दूंगा। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी कमजोरी होगी ना, उस कमजोरी को खत्म कर दूंगा, वादा नहीं कर रहा हूं बेटा, पक्का इरादा है मेरा। लेकिन याद रखना, आप आज आए, आज पढ़े, अगले टाइम पे ठंडे पड़ गए, मैं भी ठंडा पड़ गया, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, क्या लिखा है कि सर मैं स्टार्ट से पूछ रहा हूं कि एक बार सर से क्लियर कर दो कि क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट चेंज होता है क्या? हां होता है, कुछ स्कूलों में बात कर रहे हो ना, स्कूल में होता है। आप रिक्वेस्ट करो, एक एप्लीकेशन दो और वो भी हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आप किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। अगर आपके शिक्षक को, आपकी स्कूल की व्यवस्था को ऐसा लगता है कि आप थोड़े सरल सब्जेक्ट से कठिन सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो, तो वैसा नहीं करते हैं, वो कठिन सब्जेक्ट से सरल सब्जेक्ट की वो ले जाते हैं। अब ये कठिन सब्जेक्ट और सरल सब्जेक्ट क्या है, आप समझते हैं इन बातों को बेटा। तो आप बात करिए, अगर आप अच्छे हैं, जिस सब्जेक्ट को पाना चाहते हो उस सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो उस सब्जेक्ट में आप जा सकते हो, बात कर लेना, बस इतनी कहानी। आपने जो पूछा है तुम इसका जवाब दे दो। तो क्या नाम बताया बच्चे का? टोमीवार। यस, चलिए। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि इसके बाद हमको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये सब हमने अभी जो पढ़ाया वही प्राइमरी जो है। इसके बाद बेटा हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। इसके बाद भाई हेलो एल्काइन का, हेलो एल्कीन का मतलब क्या होता है? एल्कीन से हाइड्रोजन हटा करके हमने जोड़ दिया। चलो सिंपल सी बात करते हैं। हेलो एल्कीन, एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, एथीन है ना, एथीन है ना। अब इस एथीन में से एक हाइड्रोजन मैंने हटाया और उस जगह पर हेलोजन जोड़ दिया, तो ये हेलो एल्कीन होगा। हेलोजन में मैंने Br जोड़ दिया, ये चलो Br जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या होगा? ये एथीन है तो ब्रोमो एथीन हो गया, ब्रोमो एथीन हो गया। यही चीज है और कुछ नहीं है यार, एक बार समझना जरूरी होता है बेटा, एक बार समझना जरूरी होता है बातों को। फिर बात करते हैं एल्काइन। अब बेटा एक बात बता दूं, H ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या चीज होता है? इथाइन होता है, ये एल्काइन है। अब इसमें मैंने H हटाया और उस जगह पर ब्रोमीन जोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथाइन, ब्रोमो इथाइन। ये लीजिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आप विक्रम सर है केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, या फिर डाउट नेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, या दोनों ही कर लो यार, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए
मैं आपको यहां पर एरोमेटिक हेलो एल्केन के बारे में भी बताया था आपको, एरोमेटिक रिंग से यानी बेंजीन रिंग से अगर हेलोजन जुड़ा हो तो। अब एक बात आपको जो बताना चाहूंगा वो समझेंगे, नामकरण के पूरे सिस्टम को अभी जानना है तो आपको आईयूपीएसी नामकरण कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा उसको देख लो, या चार घंटे का एक काम करो आईयूपीएसी विक्रम हेप केमिस्ट्री सर्च करना, एक वीडियो चार घंटे का मिलेगा, उस चार घंटे वाली वीडियो को आप एक हफ्ते तक पढ़ो, पूरा प्रैक्टिस करो। बोले सर चार चार घंटा एक एक दिन, नहीं यार आधे आधे घंटे करोगे तो सुपर, और उसमें सर प्रैक्टिस करते जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ हेलो एल्केन का क्या नामकरण सीखोगे, सीखोगे तो पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण सीख जाओगे। वो चार घंटा बच्चे के लिए एक बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा गिफ्ट है मैंने जो आपको दिया है, ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या आप तैयार हो? ये सर नो में जवाब दो जल्दी से। क्लास बेटा आपके स्कूल में जो पढ़ाई जाती है शायद मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ाता होऊंगा, आपके ट्यूशन में जैसे पढ़ाया जाता होगा शायद मैं वैसा नहीं पढ़ाता होऊंगा, लेकिन याद रखना मेरी पढ़ाई हर बच्चे को समझ में आता है, मेरी पढ़ाई से आज बच्चा बहुत सक्सेस है, आप भी सक्सेस बनेंगे। बस विश्वास के साथ जुड़ जाओ मेरे साथ, लाइक कर दो विश्वास के साथ, शेयर कर दो विश्वास के साथ, सब्सक्राइब कर लो विश्वास के साथ। यह विश्वास यह ट्रस्ट कभी मैं आपका मरने नहीं दूंगा। पर अगले क्लास में मिलोगे, मैं पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन बनाने की विधियां नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद। और एक पोल किए थे क्या, हाँ नेक्स्ट क्लास में कब, हाँ जी सब बच्चों ने कहा यस सर जी, और लाइक कर दो जी, और यार लाइक बहुत कम करते हो यार, लाइक लाइक मत समझते हो मुझे, लाइक करते हो मैं आपको लाइक करता हूं, अपने स्कूल में अपने कॉलेज में बोलते हैं ना मैं तुमको लाइक करता हूं, तीन चार दिन पांच दिन लाइक करता हूं, बस प्यार से बोलो, ये नहीं कि मुझे मैं तुमको लाइक करता हूं तुमको भी लाइक करना पड़ेगा, नहीं 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 तुम्हारी मर्जी लाइक करो ना करो, पर लाइक। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे एक घंटे झेला, थैंक यू।